आपने जुमला इस्तेमाल किया पर्दा का, मैं आपसे फैसला लूंगा। आप आप क्या कहते हैं मर गए? आप क्या कहते हैं मर गए? आप मर गए बात हम खत्म करो। हमें क्या कहते हो? अपना काम करो आप, यही काम अपना काम करो। मर गए आप, वो क्यों मरे? वो जिंदा है बंदा, मेरी जिसमें आलत से चुप जाने वाले, तेरी क्या औकात है? बातें कर रहा है यहाँ बैठ के, फतवे ले रहा है। अल्लाह का कलाम नहीं आया और दावा है मुसलमानी का। आराम से, हम सब मुसलमान हैं। दावा मुसलमानी का और फारसी सुनाकर अकीदा मजबूत है। अल्लाह फरमाते हैं अगर किसी चीज में इख्तलाफ हो तो फैसला अल्लाह का, कुरान फैसला करे और कुरान के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे। जो दोनों को नहीं मानता है वो आला फैसला करेगा। दिल से पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहता है मैं ये देखे जब पर्दा कर गए अल्लाह के, अल्लाह को भी तुम लोग गलत मानते हो। दरूद से किसने रोका है? मसला तुम्हारी मर्जी जो मानो, लेकिन कुरान का अकीदा हमको बताओ बस। कुरान का अकीदा नहीं है तुम्हारे पास, कुरान का अकीदा नहीं है। अल्लाह ने जो बताया वो अकीदा नहीं है। कुरान के अकीदे की बात कर रहा मैं, जब ये कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है, हाँ तो ये शहीद सही कह रहा है। कहता है शहीद जिंदा है, हाँ अल्लाह का रिस्क पाते हैं, हाँ तो नबी जिंदा है। क्या बात कर रहा है? क्यों नहीं, बेशक बेशक शहीद जिंदा है, नबी जिंदा नहीं है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिंदगी का मफहूम बताया। वो कौन सा मफहूम है? कैसी जिंदगी है ये बताओ। मकसद ये कैसी जिंदगी है ये तो बताओ। हमारे नबी कहते हैं अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी का नूर पैदा किया। अगर अपने नबी का नूर पैदा नहीं होता, यही तो तुमने देखा ही नहीं है। तुमने वो कुरान खोला ही नहीं है जिसमें अल्लाह ने नबी का नूर लिखा है। अल्लाह ने कहा कि हमने दो चीजें भेजी हैं आपके पास, एक अपना नूर भेजा है, ठीक है, शमा और दूसरा रोशन किताब है। तो किताब तो कुरान भी नूर है ना, दो चीज़ें। तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसियत क्या है? फिर ये बोलो कि कुरान में नूर से पैदा हुआ। अल्लाह तो कह रहा है कि मैंने कह रहे हैं ना कि दो नूर भेजा, सुनो दो नूर भेजा ना, इसका मतलब कुरान में नूर से पैदा हुआ। हम अनपढ़ आदमी हैं, आपको ये बताया, ये फैसला करो कि पढ़ पढ़े जाहिल है बस। खला बस आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप इस चल जाओ तो बेहतर है। आज भी बोलिए, हमने छोड़ो नहीं, हम मदीने से तो सही दी भी बैठ के जाओ यार। आप मदीने आप हमें नहीं सिखा सकते, आप सिर्फ आप कोशिश करें। हम बार बार ऐसा रहे तो हमने समझे हुए हैं, आप ही की जूती आपके सर डाल दिया। आपने कहा दो नूर भेजा, इसका मतलब कुरान भी नूर से पैदा हुआ है, नबी भी नूर से पैदा हुआ है। इसको समझाओ, हमने दो चीजें भेजी, एक रोशन किताब भेजा है, एक हमने नूर भेजा है। देखो अभी अच्छा, अभी माना बदल लिया, पहले कहा दो नूर भेजा भाई। बात कह रहे भाई, बात ये है, देखो आप कहते इधर मुंह कर लें, हम कर लेते हैं, बात नहीं है। मतलब सामने कर सर, हमने आलम दीन नहीं है। सुनो भाई, आप हमारे हमारे आलम दीन से बात करें फिर तुमको वो जवाब कहां है? लाओ ना आलम दीन। नहीं हम नहीं लाते भाई, हम क्या यहां पर झगड़ नहीं सकते आपसे। झगड़ना नहीं है बात, झगड़ा हो रहा ना जिससे तनाजा बनता है वो काम नहीं हम करते। झगड़ा देखो, मैं अकेला बात कर रहा हूं, अकेला तुम इधर कोई इधर से बात कर रहे हो, हम नहीं करते, उधर से बात कर रहे हैं। हम वो दर से आए, आपके साथ कोई बात किया? आप क्यों बात कर रहे हैं? आप कहते हैं नहीं नहीं, मैंने बोला भी नहीं इधर करो, क्यों बीच में आ गए? क्यों बीच में आ गए? ऐसी तो गोली चलती है पाकिस्तान और तबाही और बर्बादी का शिकार है। मसला किसी का होता है, बीच में कोई और घुस के आ जाता है। मैंने चेहरा भी नहीं देखा तुम्हारा, तो बीच में आगे बात करने। ये सारी बातें जो है ना इधर से बाहर आए फिर करे वो और मसला, इधर तो हमको ये कह के भेजा जाता है कि अदब से नजर भी नहीं उठा रही और आप हमसे बातें करवा रहे हैं। तो वही ना गलत अकीदा सिखा के आप इधर आए, पाकिस्तान में आए, स्पेन में आए, वेलकम, मैं आपको उधर भी वेलकम कहूंगा। सही बात है, फिर आपको मैं अच्छे तरीके से उधर करूंगा। भाई मदीने में दीन नाजिल हुआ या स्पेन में दीन नाजिल हुआ?
دین جہاں نازل ہوا وہاں دین سمجھو سمجھاؤ نا. منہ ادھر کر اسپین میں. دین مدینے میں نازل ہوا, قرآن مدینے میں نازل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ہے, مکی ہے. ہاں انکل بہت پرانے جی, انکل ہے کچھ 100 سال پرانے. صحیح بات ہے, سار وجہ سے بات کر, ان کی عمر 1000 سال پرانی. پاکستان میں پیدا ہوا کہیں بھی پیدا, ہم بات مدینے کی کرتے ہیں, دین مدینے کا, پاکستان کا نہیں, انڈیا کا نہیں, کہیں کا نہیں. دین کی بات کرو تو مکہ مدینہ کا نام لو بس. قرآن میں بھی دو ہی صورتیں ہیں, یا مکی ہے یا مدنی ہے. دین سکھانے کے لیے پاکستان کو لانے ہوئے, پاکستان کا بنا ہوا دین. جاہل سے بحث کرنا بیکار ہے. چلیں بہت تگڑی بحث ہو گئی.